Good morning students, Ms Poonam this side. Today we will continue our chapter 8 Animals Around Us with the feeding habits in animals. In previous class we talked about the breathing process and in today's class we will be talking about feeding habits. Because feeding is also important for the animals for their survival and all animals need food. Because food gives energy to them to do any kind of work. एंड फूड ऑल्सो हेल्प देम टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी जैसे आप लोगों को खाना खाने की जरूरत पड़ती है वैसे ही एनिमल्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है पर क्या सभी एनिमल्स एक जैसे फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं नहीं क्योंकि एनिमल्स जो हैं उनकी जो ईटिंग हैबिट है उनकी फीडिंग हैबिट्स जो हैं उनके माउथ उनकी टित्त उनके क्लॉज के ऊपर डिपेंड करती है कि वो उस किस तरह का खाना खाते हैं और इसी बेसिस पे एनिमल्स को थ्री कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है हर्बीवॉर्स कार्निवॉर्स एंड ऑमनीवॉर्स सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं हर्बीवॉर्स की हर्बिवर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं ठीक है वो कोई भी दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को नहीं खाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ठीक है और जो ये हर्बीवोर्स होते हैं उनके जो टिथ हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं जिससे वो अपने खाने को बाइट कर सकते हैं और च्यू कर सकते हैं मतलब कि चबा सकते हैं कुछ हर्बीवोर्स है, के एग्जाम्पल्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो जैसे काऊ है गोट है कैमल है जिराफ है सो दीज आर द एनिमल्स दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हर्बिबोर्स बिकॉज दे ईट ओनली प्लांट्स सो दैट दे कॉल्ड एज हार्बी so moving to the next type हमारी नेक्स्ट टाइप है कार्निवोर्स कार्निवोर्स वो एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं ठीक है वो प्लांट्स को बिल्कुल नहीं खाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं ठीक है और ये ये जो एनिमल्स होते हैं इनके जो टित्त होते, होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं पॉइंटेड होते हैं कर्ड होते हैं जिससे वो फ्लश को बहुत आसानी से टेयर कर सकते हैं मतलब कि काट सकते हैं ठीक है इसके साथ ही उनके जो टिथ होते ग्राइंडिंग टिथ होते वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि वो फ्लश को बहुत अच्छे तरीके से चू कर पाते हैं ठीक है इवन बोन्स को भी बहुत अच्छे से चू कर लेते हैं ठीक है अगर हम बर्ड्स की बात करें तो जैसे बर्ड्स में ईगल और वॉल्चर्स हैं उनके भी उनके टित्त तो होते नहीं है लेकिन जो बर्ड्स होते हैं उनकी क्या होती है बीक होती है बीक मतलब चोंच होती है तो अगर ईगल और वॉल्चर की बात करें तो उनकी जो बीक बहुत ही शार्प और हुक्ट होती है ठीक है उनकी क्लॉस क्लॉस मतलब उनके जो पंजे होते हैं जिससे वो बहुत अच्छे से अपने शिकार को पकड़ लेते हैं ठीक है इसके हेल्प से वो अपने खाने को बहुत अच्छे तरीके से खा सकते हैं अगर हम स्नेक की बात करें तो स्नैक भी क्या है कार्निवोर्स है लेकिन स्नेक के कोई टित तो होते नहीं है तो वो कैसे खाता है वो अपने पूरे के पूरे प्रे को मतलब जो शिकार होता है उसको स्वेलो कर जाता है मतलब कि निगल जाता है आप स्क्रीन पे कुछ कार्निवोर्स एनिमल्स की पिक्चर देख रहे हो जैसे फॉक्स है वुल्फ है लाइन है सार्क है सो ऑल दीज एनिमल्स आर कार्निवोर्स सो नाउ मूविंग टू द थर्ड कैटेगरी एंड दैट इज ओमनीवर्स ओमनीवर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल दूसरों दोनों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपना अपने खाने के लिए अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए ठीक है अब ये दोनों के ऊपर डिपेंड हैं तो इनके जो टित्त का स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा दे हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ बाइटिंग एंड चूइंग ग्राइंडिंग एंड टीयरिंग टित्त ठीक है जिससे वो प्लांट्स को भी आसानी से काट सकते हैं और एनिमल के फ्लश को भी बहुत आसानी से काट सक काट सकते हैं ठीक है यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कुछ एग्जांपल्स देख रहे हो जैसे मैन है ह्यूमन बीइंग है ठीक है ह्यूमन बींग्स वेजिटेरियन भी होते हैं नॉन वेजिटेरियन भी तो मीन्स क्या है वो किस कैटेगरी में आते हैं ओमनीवोर्स के अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे डॉग बियर दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवर्स सो वी हैव डन विद द फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स एंड अंडर दैट वी टॉक्ड अबाउट हर्बीवर्स कारनीवोर्स एंड Omnivore. So, these three categories we have classified according to the feeding habit of animals. So, hope you understood the concept. If you have any query, you can let me know in the comment section box. Okay. Thank you so much. In the next class, we will be talking about the next feature of the animal locomotion. Okay. So, see you in the next class. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Thank you so much.